संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से किसानों की वापसी के मुद्दे पर बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। कल किसान आंदोलन छोड़ घर को चले जाएंगे, जो विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन को लेके, सवाल पे तमाम समय समय पे सवाल भी खड़ा किया जाता रहा किसान के हित को लेके, लेकिन किसान घर वापस जा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री कद्दावर कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कल किसानों की वापसी हो जाएगी, क्या मान रहे हैं कि विपक्ष के पास जो बड़ा मुद्दा था वो तो मुद्दा चला गया? देखिए, ये मुद्दा तो विपक्ष का था ही नहीं, ये बात सरकार और किसान के बीच की थी। किसानों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, योगी सरकार अपने पहले कैबिनेट में 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करना, केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 3 गुना ज्यादा कृषि बजट का प्रावधान करना, बड़े पैमाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके क्रय केंद्रों के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 5 गुना 6 गुना 7 गुना गेहूं और धान की खरीद करना, अन्य कृषि उत्पादों का समय समय पर लाभकारी मूल्य दिलाना, गन्ना किसानों को पूर्व सरकार की तुलना में 7 गुना ज्यादा गन्ना बकाया का भुगतान करना, और साथ ही साथ आज किसानों को अपनी उपज पूरे देश के कृषि बाजार में बेचने की छूट देना, समय समय पर फसल बीमा योजना का लाभ देना, ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराना आदि आदि जिस तरीके से किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं उसी को देखते हुए किसानों के हित में कृषि बिल भी लाए गए थे, लेकिन किसी बिंदु पर असहमति बनने के कारण 15-15, 16-16 बैठकें होने के बावजूद भी जब सहमति नहीं बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लोकतांत्रिक सोच के मुताबिक 2 कदम आगे बढ़कर के कृषि कानूनों को वापस लिया, और कृषि कानूनों को वापस लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को इस बात को बता दिया कि हम लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चलते हैं, काम करते हैं, सत्ता में भी रहते हैं तो लोकतंत्र की प्राथमिकता हम सदैव बनाए रखते हैं, और उसी लोकतंत्र में आस्था का प्रतीक है किसानों का बिल वापस करना, और साथ ही साथ यह मोदी जी के उस चिंतन को हम बधाई देते हैं जो समय समय पर किसानों के हितों में तमाम काम किए, लेकिन किसानों की असहमति को देखते हुए अपना ही कानून वापस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। शिवपाल के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि जो आएंगे उनका स्वागत है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिससे सवाल होता है उन्हीं का जवाब होता है, लेकिन बीजेपी में जो आता है उनका हम स्वागत करेंगे। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।